हमारे जो अगले लीडर आ रहे हैं स्टेज पर, इन्हें हर तरह से सोसाइटी ने हरा दिया, ठुकरा दिया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो उन्हें फेलियर मानते थे सब। मेहनती लेकिन वो तब भी ज़रूर थे, लेकिन नेटसर से जुड़ने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई, और ऐसी रंग लाई कि वो हमारे नेटसर्फ के फास्टेस्ट कैप अचीवर बने। उन्होंने नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए नेटसर्फ में, इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुके हैं ये लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज आई एम श्योर उनकी स्टोरी सुनकर, उनकी जर्नी सुनकर आप सब भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम कुंदन चौधरी। नमस्कार। अरे यार, हम नॉर्थ में हैं, नॉर्थ वालों का दिल बड़ा होता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो नॉर्थ वाले को जैसे बड़ा दिल होता है, तो एक बार मैंने बोला जी नमस्कार। देखो आज अंतर क्या है कि लखनऊ, किधर है लखनऊ? एक बार आवाज करना लखनऊ। तो ये जो लखनऊ टॉप पे है और दिल्ली भी टॉप पे है, यस और नो? तो बाहर से बहुत सारे लीडर आए हमारे बीच में, तो देखना चाहिए ना कि ये टॉप पे क्यों जा रहा है। तो एक बार दिल से, तहे दिल से नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जैसे ही हम लोग काम शुरू करते हैं, और काम शुरू करने के बाद लोग हमें ताने मारते हैं, यस और नो? लोग ताने मारते हैं, फिपतियां कोसते हैं, और जब हम लोगों को देख के भाग जाते हैं और भागते हैं, तो मैं आज आपके लिए चार लाइन बना के लाया हूं। इसी चार लाइन में पूरा सक्सेस छुपा हुआ है, और ये चार लाइन का पहला लाइन आपके लिए, आप लोगों को ये बोलो, आप लोगों को ये बोलो, इश्क में जीत कर आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत कर आने के लिए काफी हूं, और मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और जो आपने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब को शायद लोग सोचते रहेंगे कि ये क्या फेंक रहा है, ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। लोग इसको गलत नजर से देखते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे, यस और नो? और बोलते रहेंगे कि तू कभी ये नहीं कर सकता है। तो उनके लिए आप ये बोलो कि मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं अकेला ही तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और ये तीसरा लाइन मेरे नेटसर्फ के तमाम दोस्तों के लिए है कि मेरे नेटसर्फ के दोस्तों, मुझे दिल खोल कर खर्च करो। मेरे नेटसर्फ के दोस्तों, मुझे दिल खोल कर खर्च करो, क्योंकि मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। और ये अंतिम लाइन उनके लिए जो कि डिसलाइक मारते हैं, डिसलाइक मारते हैं ना, यस और नो? अब ये डिसलाइक मारने वालों के लिए है कि एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर जलाने के लिए काफी हूं। तो वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार मैं तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं नेटसर्फ के मैनेजमेंट का, और मैं यहां बैठे हुए तमाम लीडर का स्वागत करता हूं नेटसर्फ की ओर से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस लड़के को आप यहां पे देख रहे हो, माय डियर फ्रेंड, आज से करीब 4 साल पहले की यदि जिंदगी बताऊं, करीब 4 साल पहले इस बंदे के साथ में ऐसा हुआ था। नाम तो कुंदन था, बचपन से ही नाम कुंदन था, लेकिन इस कुंदन को कुंदन बनाने वाला एक कुंदन नेटसर्प मिल गया। इसके लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लास होना चाहिए। हर बार कामयाबी लेने के चक्कर में बार बार गिरने का गिरने की आदत लग गई थी, और बार बार गिर के उठने की भी आदत हमने डाली, और
कुछ ऐसा हुआ कि जब शुरुआत हुई थी माय डियर फ्रेंड, तो एक फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहा था। काम करते हुए जब मैंने अपने नौकरी को छोड़ा, और छोड़ने के बाद माय डियर फ्रेंड बहुत ही तकलीफ मैंने झेला, बहुत तकलीफ मैंने झेला। आप शायद शू पॉलिश करने के लिए जाते रहेंगे, पैर ऐसे करके उठा के दे देते होंगे, बोलेंगे पॉलिश कर दो, लेकिन मैं मोची से ब्रश ले लेता था, अपने हाथ से जूते को घसता था, क्योंकि मेरे पास 5 रुपये नहीं होते थे जूते पॉलिश करने के लिए। जूते दूर की बात है माय डियर फ्रेंड, जब मैंने शुरुआत करी और 3 महीने के अंदर ऐसा मेरा कुछ चेक वगैरह नहीं बनता था, और खर्चा शुरुआत में ज्यादा होता है, यस और नो? खर्चा शुरुआत में बहुत ज्यादा था। मेरी 2.5 साल की बेटी के सेरेलैक्स खिलाने का तक का रुपया नहीं होता था। 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के 200 रुपये उधार लेने के लिए जाता था। वो तकलीफ करके धीरे 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 करके यहां से उठने का प्रयास किया हो, हर बार इतना ज्यादा लगातार तकलीफ किया। दिल्ली में जब पहली बार आया तो मालूम नहीं था कि दिल्ली में इतना ठंड होता है, और मेरे पास पहनने के लिए एक अच्छा स्वेटर तक नहीं था माय डियर फ्रेंड। और दिसंबर के महीने में मैं जब दिल्ली में उतरा था नई दिल्ली स्टेशन पे, और सुबह के 5 बजे जब ट्रेन से आया था, तो ट्रेन में मुझे ऑटो में बैठा था, दोनों साइड से हवा लग रहा था, और दिसंबर का महीना कैसा ठंडा रहता है, यस और नो? उस दिसंबर के महीने में इतना ज्यादा तकलीफ करके यहाँ पे दिल्ली में पॉकेट लगाया। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा मिस्टर गोपाल सिंह जी का, जो कि हमारे फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमें मिलते गए, जैसे कि डॉक्टर मल्लिक, इंटायर जो नॉर्थ के जो MCM है, इन लोगों ने बहुत ही जीतोर मेहनत किया, कदम से कदम मिलाकर मेहनत किया, हमने जैसा बोला वैसा वैसा करते गया, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ तक खड़ा हूँ। और यदि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे तमाम इंडिया के डाउनलाइन का, तमाम आप लोगों के लिए मैं एक बार जोरदार तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि मुश्किलें तेरा इरादा आजमाएगी, तेरे ख्वाबों को तेरे निगाहों से चुराएगी, तू गिर कर यूं हौसला कभी मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये गिरना ही तुझे एक दिन चलना सिखाएगी। बहुत ज्यादा ठोकर खाया माय डियर फ्रेंड वही लड़का, आज के डेट में बोलना चाहूंगा धीरे धीरे करके दिल्ली सेट हुआ, और दिल्ली के बाद मैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, डिफरेंट स्टेट में काम करता गया, जहां पे लैंग्वेज का भी बैरियर आया। कहते हैं कि डिफिकल्टीज ऑलवेज कन्वर्टेड टू अपॉर्चुनिटीज, यस और नो? कोई बैरियर वगैरह नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। 8,19,000 जब अकाउंट में आएगा, इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है, यस और नो? यस और नो? 100% इसका कोई बैरियर नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, ये सबके लिए बराबर ही होता है। तो कोई बैरियर को समझा नहीं, कहीं भी कोई परेशानी हुआ, प्रॉब्लम हुआ, हर परेशानी को, दर्द को झेलते हुए धीरे 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 करके आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ के आज मैं यहां तक आके खड़ा हूं। मैं आपको बोलना चाहूंगा बस एक ही चीज है कि आपको अपने लाइफ में संकल्प लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? अरे क्या लेना चाहिए? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलो एक उदाहरण देता हूं संकल्प का, एक उदाहरण दे देता हूं संकल्प का। राजा धनानंद मालूम है? राजा धनानंद? चाणक्य पंडित मालूम है क्या? चाणक्य पंडित एक ऐसा पंडित था जो कि अपनी प्रजा से कर वसूली करता था, और जुए सट्टे और लॉटरी में गवा देता था। एक दिन राजा धनानंद को यह बात पसंद नहीं आई, और इसको चाणक्य पंडित को धक्के मार के बाहर गिरा दिए। और जैसे ही धक्के मार के गिरा दिए, चाणक्य पंडित ने कहा, हे राजन, समाज से लिए गए कर को समाज के डेवलपमेंट के लिए वापस कर देना चाहिए। तो राजा धनानंद ने धक्के मारते हुए कहा कि निकल जाओ मेरे साम्राज्य से, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसा राजा पंडित। और जब वो गिरकर उनकी शिखा खुल गई,
उनकी शिखा खुल गई और खुलते हुए शिखा को उन्होंने पकड़ा और संकल्प लिया कि जब तक तेरे पूरे साम्राज्य को खत्म करके अखंड भारत के अंदर में एक महान राजा न लेके आ जाऊं तब तक मैं अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। उन्होंने संकल्प लिया और एक छोटा सा बच्चा था चंद्रू जिसको उठाया, चंद्रगुप्त का नाम दिया, उसकी माँ थी मूरा जिसको मौर्या डायनेस्टी का नाम दिया। एक महान लक्ष्य के साथ चले थे क्योंकि वो अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। एक चंद्रगुप्त के सहारे उन्होंने पूरे अखंड भारत का निर्माण कर दिया। जो बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर सकता है, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती। तो आप एक संकल्प ले सकते हैं क्या? तो बोलो हर हर नेक्सर। मैंने सबको बोला हर हर नेक्सर, घर घर नेक्सर, और क्या मेरे दिल में नेट सर, बाहर में नेट सर, रात को नेट सर, दिन को नेट सर, पानी में नेट सर, सुर में नेट सर, और क्या मेरा जान है नेट सर, मेरा मान है नेट सर, और मेरा धर्म है नेक्सर। जोरदार जबरदस्त क्लास होना चाहिए नेक्सर के लिए एक बार। आज हम लोग ऐसे संकल्प लेके जाएंगे और यही संकल्प के जरिए आने वाले दिन में बस मैं एक छोटा सा सपना देकर हूं, सुनना चाहेंगे क्या? एक छोटा सा सपना है कि 2030 कौन सा ईयर, 2030 तक नेक्सट में आज मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ दिल्ली के मंच पे, शायद इतना बड़ा मंच पहली बार मुझे मिला है। और इस मंच पे आप ख्याल रखना कि 2030 तक अभी जो हमारे करोड़पति की संख्या है पूरे नेक्सट में कितने हैं, 50 है, यस और नो? 2030 तक ये संख्या यदि 1000 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो मेरा नाम कुंदन चौधरी से बदल के रख देना, दैट इज माई गारंटी। 1000 करोड़पति पैदा होने वाला है। तो आप बनना चाहेंगे क्या? आप बनना चाहेंगे क्या? इसके लिए आपको कंपनी से मोहब्बत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोहब्बत करना पड़ेगा। और आप जितना बेइंतहा मोहब्बत कंपनी से कर सकते हो उतना बड़ा पेआउट आपका आएगा। तैयार है क्या? तो ज्यादा समय ना लेते हुए बस जाते जाते एक ही चीज बताऊंगा कि तू जमीन पैदा कर, तू आसमान पैदा कर, तू जमीन पैदा कर, तू आसमान पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, तो अपने आप पे विश्वास पैदा कर। बैक टू होस्ट। जय हिंद, जय नेक्स्ट सब, जय जय नेक्स्ट सब। थैंक यू वेरी मच।